हेलो, आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आधा कप का शुगर चाहिए और इसको हम लोगों को ग्राइंड करनी है। कोई भी हम लोग कुकीज़ बनाते हैं ना, उसमें हम लोगों को शुगर ग्राइंडेड ही चाहिए होता है। तो मैं इसको पहले से अच्छे से ग्राइंड करके लेके आती हूँ। देखिए, बन गया बहुत अच्छे सा ग्राइंड। और अभी क्या करेंगे, उसको एक साइड में रखेंगे और बटर को लेके आते हैं। और बटर को हम लोगों को उसको मेल्ट करनी है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर में रख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद करते हैं, तो आपको मेल्ट करने की ज़रूरत है नहीं। बट मुझे तुरंत करना था, तो इसीलिए मैं और मेरा जो बटर था वो फ्रिज में था, तो पूरा बैठ गया है। तो मैं उसको बस माइक्रोवेव में थोड़ा सा डाल के उसको पानी कर लूँगी। और मुझे आधा कप का ही बटर चाहिए। शुगर, बटर और कोकोनट, ये तीनों का क्वांटिटी सेम होगा। और इन तीनों का जो बटर का क्वांटिटी होता है, उसका डबल हमारा मैदा रहेगा। ये रहा मेज़रमेंट आपका। तो अभी हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून जितना मिल्क डालेंगे। अभी डाल सकते हो, बाद में डाल सकते हो, बट मैं अभी डाल रही हूँ। उसके बाद सारे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर शुगर पाउडर, बटर और मिल्क तीनों को अच्छे से मिला रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो धीरे धीरे ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो सारे यूज़ किए हैं इंग्रेडिएंट्स, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिस्ट आउट किए हैं। आपको कहाँ पर भी कुछ डाउट होता है ना, कितना ग्राम का है, कितना वेट है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक छन्नी में 1 कप मैदा डाला है और उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। छन्नी में छानना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपका कभी कभी बेकिंग पाउडर में गुठलियाँ रहती है, तो वो मिलेगा नहीं कुकीज़ के अंदर। एक ही जगह में रहेगा, तो एक ही जगह में वो अच्छे से फ्लेवर देगा, फूलेगा। तो इसको मतलब थ्रू आउट द कुकीज़ अच्छे से स्प्रेड होने के लिए हम लोग उसको पहले छन्नी में छान लेते हैं। तो वो चीज़ें को कभी अवॉइड मत कीजिएगा। आप एक दो बार भी छान सकते हैं, बट मैं मोस्टली 1 मास तो मिनिमम छान के लेती हूँ। उसके बाद हम लोग को सब मिला दिए। यहाँ पर मैंने देसी कटर कोकोनट भी डाला है, उसको फ़ोटो लेना मैं भूल गई थी, बट ऊपर आप देख सकते हो देसी कटर कोकोनट है। बस इस सबको बहुत अच्छे से मिला देना होता है। अगर आपको हाथ इजी है तो हाथ से कीजिए, और नहीं तो अगर स्पैचुला और स्पून से करना है तो वैसे कीजिए, बट प्रेफर कीजिएगा एक सिलिकॉन जैसा स्पून से कीजिएगा, तो वो चिपकेगा नहीं कुछ भी वो हाथ में वगैरह, वो वेस्ट नहीं जाएगा उसके लिए। और बहुत अच्छे से आप सारे ओर से निकाल निकाल के कर सकते हैं। ये डो के अंदर कुछ भी आप गुठलियाँ रखने के लिए मत दीजिएगा, और कहाँ पर भी वाइट कलर का डोप नहीं दिखना चाहिए, तो उसको अच्छे से मिलाइएगा। क्योंकि यही डोप बनेगी आपकी कुकीज़ के, और ये अच्छे से नहीं बनेगी तो कुकीज़ भी बहुत अच्छे से नहीं बनेगी आपकी। देखिए, हो गया। अभी मैं एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर, जो बेकिंग पेपर होता है, उसको लगा के रेडी रख ली। और मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड में प्री हीट करने के लिए 10 मिनट छोड़ दिया है। अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं, तो कढ़ाई को भी मीडियम टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिएगा, ढक के, ठीक है। और आपके घर में अगर बेकिंग पेपर है नहीं, मतलब ये पार्चमेंट पेपर है नहीं, तो कोई भी ट्रे में और कोई भी ऐसे जगह में थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा, और फिर उसके ऊपर रखिएगा, तो वो आपका नॉनस्टिक जैसा काम करेगा और अच्छे से चिपकेगा नहीं कुछ भी। तो मैंने कुकी स्टोव को एक बार अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से फाइनल बार घून लिया। फिर मैंने एक मेरा कुकी कटर किधर है, मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है, तो मैं ये स्पून यूज़ कर रही हूँ। स्पून से मेजरमेंट करके मैं एक ही साइज़ का सब ले रही हूँ, तो उससे क्या होगा, सारे कुकीज़ इवनली होंगे। ऐसा नहीं होगा एक कुकीज़ ब्राउन हो गया, एक कुकीज़ वाइट हुआ, एक कुकीज़ कुक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने उसको बहुत अच्छे से दोनों पाम के अंदर रख के उसको अच्छे से प्रेस करते हुए छोटा छोटा पेड़ा बनाया, और उंगलियों से उसको दबा दबा के साइज़ किया। देखो, आपको अगर मोटा मोटा कुकीज़ चाहिए तो ये पेड़े को मोटा रखना। मुझे ना मीडियम साइज़ का कुकीज़ चाहिए, इसके लिए मैंने इतना उसको पतला किया है, क्योंकि उसके बाद भी वो फूलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको मोटू मोटू चाहिए थोड़ा सा, और क्रिस्पी वाली चाहिए, मतलब सॉफ्ट वाली चाहिए,
तो कुकीज़ के डोव थोड़ा मोटे रखना और जो कुकिंग टाइम होता है 15 मिनट तक ही रखना, 20 मिनट तक मत जाइएगा आप। मुझे कुकीज़ थोड़ा सा मतलब क्रंची पसंद है, जैसे काटो तो उसको आवाज़ आ चाहिए कच कच करके, कि मुझे वैसा पसंद है, इसीलिए मैं 20 मिनट का बेकिंग टाइम देती हूँ। देखिए ऐसे सेम प्रोसेस में आपको सारे कुकीज़ करनी है, उसके बाद कोई भी स्पून वगैरह लेकर उससे आप शेप दे सकते हैं, जो भी शेप चाहिए आपको। आज जो कुकीज़ है मेरे छोटे छोटे, मैं कुकीज़ कर रही हूँ, सारे कुकीज़ सेम ही कर रही हूँ। और ये देखिए मैं एक फोक लेकर फोक से जस्ट थोड़ा सा दबा रही हूँ, तो फिर उसके ऊपर एक मार्क आ रहा है चार चार लाइन का, तो ये सारे कुकीज़ के ऊपर वैसे ही वैसे ही मार्क आ जाएंगे, तो बेक होने के बाद वो बहुत अच्छा दिखता है। आपके पास पूरे इनोवेशन है, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कुकीज़ के साथ, आपकी मर्जी है। बट मुझे ना बस थोड़ा सा सिंपल रखना ही पसंद है कुकीज़ को, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। अगर आपको चाहिए ना आप कलर भी मिला सकते हैं उसमें, कोई कुछ कुकीज़ को रेड कलर का, कुछ कुकीज़ को येलो कलर का, ऐसा कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही वे में हम लोगों को सारे कुकीज़ को करनी है, और करने से पहले आपको ओवन को और कढ़ाई को किस में भी कर रहे हो उसको प्री हीट में रखनी है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सा स्नैक है, कभी भी मीठा खाने के लिए कुछ जी करें तो ऐसे कुकीज़ बना दीजिएगा, आपका टाइम बहुत जल्दी बन जाएगा और इतना आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर खड़े होकर ये करो वो करो इतना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी बहुत फटाफट से बहुत अच्छे से कुकीज़ बन जाती है। और बस एक ही बार में आप डोव बना के रख लो, फिर बनाते रहो कुकीज़ जितना बनाना है। और ये जो कोई भी अगर आपको शेप देना है ना, जब डालते हो, जब ट्रे के अंदर डालते हो तभी आप दबा दीजिए, अगर थोड़ा देर भी रह के दबाएंगे ना तो कुकीज़ ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो आ जाता है, वो सूख जाता है, तो फिर दबाएंगे तो वो ना अजब सा दिखता है। तो जब तुरंत आप इसके अंदर डालते हो तुरंत ही कोई भी शेप देना है ना, तुरंत ही शेप दे दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला डोप कीजिए, ऐसा कीजिए। क्योंकि इसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा डाला है, सॉरी बेकिंग पाउडर डाला है, वो फूलता है तुरंत, थोड़ी देर के बाद फूल जाता है, तो ऐसा होता है। देखिए बीच वाला जो हिस्सा था सेम शेप का था, बट मैंने थोड़ा बाद में उसको दबाया था, इसके लिए वो बड़ा हो गया था। तो चलिए इसको बेकिंग में रखते हैं, मैंने 20 मिनट रख ले हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये देखिए 20 मिनट के बाद कुकीज़ बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है। ये देखिए जो साइड उसका ब्राउन कलर होता है ना, ये है सिंबल आपका कुकीज़ बन गए। और नीचे का हिस्सा, कुकीज़ का नीचे का हिस्सा आप देख लीजिए, अगर ब्राउन कलर आता है उसका मतलब हो गया। ये आपको 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो कढ़ाई में कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, साइड में ब्राउन कलर आ गया तो बंद कर दीजिएगा, डार्क ब्राउन तक मत वेट कीजिएगा। तो बन गई हमारा कोकोनट कुकीज़, बताइए आपको कैसा लगा रेसिपी, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इन फ्यूचर जो सारे वीडियो आता है आप सारे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।